बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद माजिद इसराइल आलमगीर से, मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ जी, इसराइल आलमगीर में प्रैक्टिस करता हूँ। साइंस एग्जीबिशन पे मुझे बुलाया गया जो एस्पायर कॉलेज जेलम में मुनक़द की गई। उस एस्पायर कॉलेज के अंदर मैंने जाके देखा, जब जैसे मैं इंटर हुआ, मेरी फर्स्ट एंट्री थी वहाँ पे। जब मैं इंटर हुआ तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि इंटर होने के लिए आपको दो गेट क्रॉस करने पड़ते हैं, मतलब सिक्योरिटी का इतना ज़बरदस्त इंतजाम कि आपको पहला एक गेट और फिर दूसरा एक और बैरियर जिसको आपको क्रॉस करना पड़ता है और उसके दरमियान आपको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बड़ी, मैं जाते साथ पहले बड़ा इंप्रेस हुआ। उसके बाद जब गाड़ी मेरे अंदर गई और अंदर जाके मुझे रिसीव किया गया तो बिल्डिंग देख के मैं बड़ा हैरान हो गया। इट वॉज वेरी गुड जी, पर्पजली बिल्ट बिल्डिंग थी, प्रॉपर कॉलेज का एक माहौल था। और मैं आज के दौर में जबकि छोटे छोटे कमरों के अंदर मैं कॉलेज बने हुए देखता हूँ, तो वहाँ पे इतना बड़ा और इतना ज़बरदस्त कॉलेज देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत खूबसूरत लॉन और उस लॉन के अंदर एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया था। जब एग्जीबिशन स्टार्ट हुई तो एग्जीबिशन में मेरे साथ जो थी डॉक्टर आसमा सैबर थी, जो कि PhD डॉक्टर हैं और नैनो टेक्नोलॉजी में उन्होंने PhD की हुई। मैं बड़ा हैरान हुआ ये भी देख के और बड़ी खुशी हुई कि एस्पायर कॉलेज की इंतज़ामिया जो है वो इतने अच्छे तरीके से, उतना सीरियस ले कर इन बच्चों को मतलब उनकी एग्जीबिशन जो है उनको अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने इतने सीनियर डॉक्टर साहब को बुलाया हुआ था, डॉक्टर आसमा साहब को। फिर देखा जब स्टेज पर मैं बैठा हुआ था तो वहाँ से मैंने देखा तो मुझे बड़े खूबसूरत बहुत ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पे स्टॉल लगे हुए नज़र आए। और स्टॉल के दौरान जब मैंने विज़िट किया एक एक स्टॉल पर जाके और बच्चों को नंबर देने थे, तो मेरे लिए नंबर काटना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं किसके नंबर कम करूँ। एक से बढ़ के लिए एक स्टॉल था, स्पेशली कुछ स्टॉल इस तरह के थे क्योंकि फिजिक्स जो थे वो डॉक्टर आसमा साहब जो हैं वो देख रही थी और जो बायोलॉजी थी वो मैं देख रहा था, यानी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी स्टॉल बने हुए थे उनको मैं उनको मतलब चेक करना, उनको ऑब्जर्व करना मेरी जिम्मेदारी थी। तो जब मैंने बायोलॉजी पे जाके देखे तो उसमें कोविड से मुतल्लिक का स्टॉल देखा, बहुत बहुत इम्प्रेसिव, बड़े डिटेल के साथ। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के जो बच्चे बोल रहे थे, बच्चे जिस अंदाज से वहाँ पर बात कर रहे थे, अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो उस उनकी प्रेजेंटेशन, उनके अल्फाज, उनकी ज़ुबान पे से निकलने वाले लफ्ज़ जो थे वो उनके उस्तादों की मेहनत की मुकम्मल तर्जुमानी कर रहे थे। इसके अलावा एक स्टॉल बहुत, मैं उसको जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, बच्ची का मैंने वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उनसे भी जाके जिक्र किया। मुझे उस बच्ची का नाम तो नहीं याद रहा लेकिन ये कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया था वो दिया था वाटर लेवलिंग का, मतलब पानी एक गिलास में वो डाल रहे थे और उसके अंदर उन्होंने कुछ इस तरह का सिस्टम लगाया हुआ था कि उसके साथ जैसे जैसे पानी ऊपर आते जा रहा था तो लाइट्स जो है वो ऑन होती जा रही थी। यहाँ पे एक बात और करता चलूँ कि जब प्रोग्राम एंड हुआ, जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम लोग एक मतलब बैठे, जितने भी मैनेजमेंट थी वो बैठी और हम लोग वहाँ पे बैठे, खाने का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। उस दौरान में जो बातें हुई वो भी बड़ी इंप्रेसिव थी, वो यहाँ पे बयान करना बहुत ज़रूरी है। फैसल साहब हैं जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो उन्होंने एक ये जो साइंस का सारा सब्जेक्ट है इन सारी चीज़ों को उन्होंने साथ लेके चले हुए हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी मेरे लिए बड़ी हैरान कन थी और बड़ी इम्प्रेसिव थी वो ये थी कि उन्होंने वहाँ पे कुरान पाक को, कुरान पाक की आयात को हिफ्ज करवाने का भी सिलसिला रखा हुआ है। यानी हर बच्चा कोई जो भी BS लेवल पर जाएगा वो 30 आयात याद करेगा, मतलब कि मेरे लिए जहाँ पर वो एक मॉडर्नाइज किस्म की बिल्डिंग और बड़े मॉडर्न किस्म के सारे वहाँ पे माहौल और वहाँ पे उसके बावजूद, मतलब सारा माहौल होने के बावजूद आपको अब पहन के आना है, प्रॉपर आपको कवर करना है अपने आप को, लड़कियों के बारे में भी था। और दूसरा जो था वो इस्लामिक टच, मतलब इस्लाम को भी उन्होंने इग्नोर नहीं किया और इस्लाम को साथ लेके चले गए, मस्जिद को साथ लेके चले गए। उसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पे एक हाफिज़ साहब को जो अरेंज किया हुआ था और हाफिज़ साहब जो है बाकायदा तौर पर ना सिर्फ स्टूडेंट्स को, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि जो वहाँ के टीचर्स नजर आते हैं उनको भी पाबंद किया गया है कि वो भी 30 आयात को याद करेंगे। तो ये था जो मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में स्पाइर कॉलेज जेलम के अंदर, वो सारी सूरत आपको बताई, उम्मीद है आपको।